सर्वे कर रहे हैं, साइट इंजीनियर जो है ना, और ये कब से मजदूर ढूंढ रहे हैं। इसको भाई साल कहते हैं, ये जो है ना स्ट्रेट लेवल चेक करने के लिए यूज होती होती। सही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो कहते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो। आज है भाई जुमा और अभी दिन के बज चुके हैं जी 11:30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको एडवांस में जुमा मुबारक। बस अभी जुमा की नमाज की तैयारी ही करनी है, लेकिन उससे पहले जो है ना भाई, इधर जो है ना लियो, इसको थोड़ी देर के लिए भाई बाहर निकाल देते हैं। इसके ना भाई वो कहते हैं ना, रेस्ट टाइम होता है, ब्रेक होती है, इंजॉय टाइम होता है, वो सारा इसको अलग अलग से मिलता है। एक तो ये भाई बड़ी जो मुश्किल से निकलती है, ये जो इन्होंने फंसाई हुई है ना लकड़ी। आ जा, चल भाई। हाँ जी, क्या कर रहा है? ओए, ना 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 ना, पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, जंपी मा जंपी मा जंपी मा, जो पागल हो जाता है ये भी ना, लेग जी की तरह जब इसको निकाल दो ना तो पागल हो जाता है। आप पता है इसको कोई समझ नहीं आ रही है, तो ये कर कह रहा था बंदे के पीछे पड़ जाता है। हाँ भाई लियो 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 लियो, धूप में नहीं आता। चले भाई इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं। इसको ना इस टाइम ज़्यादा बंद ही रखते हैं, क्योंकि ना ये कोई पता नहीं होता सीधी बात, दरवाज़ा अक्सर गेट खुला हो ना तो बाहर निकलने का रिस्क होता है। तो खैर जी, अभी मैं आपको भाई घर का सीन बताऊं। जुम्मा है जैसे कि आप सबको पता है, तो आज भाई मिस्त्री मज़दूरों की छुट्टी होती है, और कल जो है ना ये एक पिलर भर के गए थे। खोलना तो इसे आज ही उन्होंने चाहिए था, और दूसरा मतलब इसके ऊपर दूसरी लेयर भी बनानी चाहिए थी, लेकिन भाई आज जुम्मा है, छुट्टी कर गए हैं, तो कोई बात नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से बन चुका है। ये चेक करो, यहाँ तक भरा खड़ा है। सही। अच्छा भाई, कल ना इसका मैं शाम को लेवल वगैरह चेक करता रहूँ कि कहीं टेढ़ा ना हो गया, खड़ा खड़ा ना गीला गीला। तो खैर जी, लेवल ऑलमोस्ट सही था। एक तो होता है ना वो लेज़र लाइट वाले लेवल शेवल, तो वो तो बिल्कुल बंदा एक्यूरेट करता है। एक वो जो साल कहते हैं उसको, वो मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि कि साल से इसका लेवल कैसे चेक करते हैं। तो ये वाली मैं लेके आया हूँ, इसको भाई साल कहते हैं। ये जो है ना स्ट्रेट लेवल चेक करने के लिए यूज़ होती होती। एक ये लेवल भी होता है, लेकिन ये जो होता है ना कम एरिया में, जब छोटी सी जगह पे लेवल चेक करना हो ना, तो तब तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब लेंथ ज़्यादा हो और आपको लेवल चेक करना हो, तो फिर ये वाले साल इस्तेमाल होती है। ये पुराना तरीका है, आजकल तो खैर वो लेज़र लाइट वाले नए तरीके बहुत से आ गए, तो फिलहाल इन मिस्त्रियों के पास यही है, तो इसी से चेक करते हैं। उनके साथ रह रहे उनको देख देख के ना काफ़ी चीज़ें मैं सीख गया हूँ। इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल कैसे चेक करते हैं। ये जो होती है ना भाई, कुंडी सी बनी हुई होती है, इसको मतलब जहाँ से आपने लेवल चेक करना है ना, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से करना है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये ऐसे यहाँ लगा दी, और नीचे से वो जो है ना इसको थोड़ा सा स्टेबल करते हैं। अगर तो ये बिल्कुल थोड़ा सा गैप दे के खड़ी हो ना, मतलब मैं आपको ये चेक करूँ, नीचे से दिखा भाई, अब मतलब ये बिल्कुल ना एक साइड पर लग रही है ना बहुत ज़्यादा दूर है, बल्कि पूरी पूरी एक मतलब खुद फ्री फॉल में खड़ी है। जब ये फ्री फॉल में खड़ी होती है ना, तो मतलब ये इसका लेवल जो है ना ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेट है। अब इस साइड से भी चेक कर लेते हैं, तीनों चारों साइडों से चेक किया जाता है, फिर बंदा एग्जैक्ट बता सकता है कि मतलब ये जो पिलर बना खड़ा है ये सीधा खड़ा है। तो इधर से भी देख लेते हैं, ये नीचे से दिखा भाई, इस तरफ से ना थोड़ा सा ऐसे, ये साइड जो है ना थोड़ी सी ऊपर से ऐसे फील होता है कि इस तरफ है, लेकिन इतना इसमें बंदा ना वो एरर बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि ये कोई एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते। तो वैसे भी ये लगा हुआ है, जब ये खुलेगा तो और भी मज़ीद बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इसकी मदद से जो चेक करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मुझे लेवल चेक करना है, ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और अगर मुझे इसमें देखना है कि ये लेंथ में कैसे है, तो वो बबल देखो उसका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये इनकी मदद से लेवल चेक करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंशाल्लाह ये चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि खुद ही इस तरह का ना काम कर लूँ, ठेकेदारी वाला काम स्टार्ट कर लूँ। खैर भाई, ये पिलर बना गया थे, और ये पिलर जो है ना इसकी यहाँ तक कंक्रीट भरी हुई है। अब कल हफ्ता तो कल ही आएंगे, तो इस पिलर को मैं अब जो मैं जिस तरह से इनको कंप्लीट करने का कहूँगा ना, कि पहले इसको कंप्लीट करें उसके बाद इसकी तरफ आएँ, क्योंकि अगर कल इसको खोल के कहें कि फिर इसमें लगाते हैं ना, तो दोनों में ना फिर वो जोड़ बन जाएंगे। कल उसको कंप्लीट करें,
परसों या कल ही अगर होता हुआ तो फिर इसको भी कंप्लीट करेंगे, मतलब एक ही बारी में एक पिलर लाजमी कंप्लीट करें, उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना फिर इस तरह से वो जो जहाँ पे गैप जोड़ बन जाता है ना वहाँ पर कंक्रीट वो क्रैक पड़ने का रिस्क होता है। लेकिन वो कह रहे थे कि ना नीरू बना के, मतलब सीमेंट का लिक्विड बना के वो डाल के फिर ऊपर से फिलिंग की जाती तो फिर वो क्रैक नहीं बनता। बाकी भाई आज सुबह जो है ना मैंने सारी दीवारों की तराई भी की है, कुछ भाई जो है ना मैंने की है, घर हो गया बड़ा तो कुछ अम्मा ने की थी कुछ मैंने की है, मतलब यहाँ से नीचे से खड़े होकर शावर की मदद से ऐसे पाइप की मदद से पानी मारते रहें, फिर बाद में जो है ना वो वाली दीवार के मैं ऊपर चढ़ाऊँ, इस दीवार से ले के वो बाहर वाली सारी दीवार जो है ना छत पे चढ़ के उसको पानी लगाया, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है, जितना पानी लगाओगे ना उतनी मजबूती होगी दीवारों की। जो मसाला कल बच गया था आज भाई देख लो रोड़ियाँ बनी हैं या नहीं बनी, ये चेक करो, इसको ना मैं एक बार और ऐसे उलट पुलट कर देता हूँ ताकि ये जो है ना नीचे से जो गिला है ना वो भी सूख के अलग अलग हो जाए, थोड़ी थोड़ी रोड़ियाँ बनी हैं लेकिन ये कि ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह, ये जो है ना इस्तेमाल हो जाएगा। ये भाई चेक करो, ये कुछ रूढ़ियाँ बन गई हैं और ये तो हो गई हैं पक्की, इनमें सीमेंट फिक्स हो गया तो ये तो समझ लें ज़ाया हो गई हैं, मतलब इसको शायद ऐसा करें कि रूढ़ियाँ जो बड़ी बड़ी निकाल लें फिर नया सीमेंट और रेत डाल के जो है ना जो बारीक रूढ़ियाँ रह जाएंगी खैर एज अ बजरी का काम करेंगे और इस्तेमाल हो जाएंगे। ओए बहुत गर्मी है भाई, सांस चढ़ गया, बस ये थोड़ा सा काम किया है। ये मौसम जो है ना सफोकेशन वाला है, मतलब हीट वाली गर्मी अब कम हो गई है, हब्बस वाली गर्मी इतनी होती है कि आपको 5 मिनट एक मतलब तंग जगह पे खड़े होना मुश्किल फील होता है, जैसे सांस बंद कर रुक गए हो। मोटर वाला जो स्विच है ना वो ख़राब हो गया था तो ये भाई चेंज हो गया था, और साथ में लगे हाथों जो है ना यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा बोर्ड हमने लगवा लिया था, 2 बटन साथ में 2 स्विच, क्योंकि और है जगह नहीं यहाँ पर तो इसलिए अक्सर जो है ना भाई पंखा वगैरह बाहर चलाना होता है या कोई और चीज़ का वो ग्राइंडर वगैरह जो सरिया काटने वाला है वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर सोच लगाने की जगह नहीं थी इसलिए जो है ना ये लगवा दिया है। अभी बाहर इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी और मौसम अचानक से हुआ है जी चेंज, और सीन्स कुछ ऐसे हो गए हैं भाई, काले काले फुल बादल आ गए, एसी चल रहा था एसी भी चलना बंद हो गया, बादल जैसे ही आते हैं ना ये बड़ा पंगा है, कम प्लेटें लगाओ ना तो सारा दिन बंदा तंग होता रहता है, एक बादल आए 16 ट्रिप कर जाता है, कम से कम भी ना आपको अगर एसी चलाना है ना, ये जो सोशल मीडिया पे आपको बता रहे होते हैं 4 प्लेटें लगाओ और एसी चलाओ, 6 प्लेटें लगाओ और एसी चलाओ, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको अगर एसी चलाना है ना तो आपको मिनिमम आपके पास ना 10 प्लेटें होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 8 लगी हुई है ना, तो जब बादल आते हैं तो उसी वक्त एसी ट्रिप कट जाता है, धूप निकलती है तो एसी चल जाता है, तो मतलब वो ना सारा दिन तंग करता है, तो इस वजह से ना हम फिर एसी कम से कम ही चलाते हैं, सारा दिन वैसे भी मोटर चलती है तराई होती है तो इस वजह से ना एक चीज़ चला पाते हैं, दोनों तीनों चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों चीज़ें चलानी है तो कम से कम 10 से 12 प्लेटें तो लाजमी लगाओ। और अभी भाई देख रहे हो काले काले बादल आ रहे हैं, और आज है जुम्मा, कल जुमेरात वाले दिन मिस्त्रियों मजदूरों की सैलरी देनी थी तो कल मेरे पास पैसे नहीं थे, उनको मैंने बोला कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, लेकिन किसी के पास ईजी पैसा जैज़ कैश कुछ भी नहीं था, तो फिर जो है ना मैंने आज भाई पैसे निकलवाए हैं, पहले तो मैं सिटी जाके निकलवाता था लेकिन इस बार जो है ना टाउन से ही निकलवा लिए मैंने पैसे ईजी पैसा के थ्रू, इससे ये होता है कि आपके पैसे ज़्यादा कट जाते हैं लेकिन ये है कि फिर सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पैसे मैंने निकलवा लिए, आज शाम को भाई वो ठेकेदार आएगा और पैसे भी ले जाएगा, तो फिलहाल भाई ये बकरे शाम को ले लूँगा आपसे मैं। और अभी जो है ना भाई जुम्मा की नमाज़ की तैयारी करते हैं, ये देखो भाई बादल ऐसे स्पीड से आ रहे हैं ना, अल्लाह करे आज बारिश आ जाए, एक तो तराई अच्छे से हो जाएगी, एक बार तो हो चुकी है लेकिन शाम को फिर हो जाएगी, और दूसरा थोड़ी ठंड भी हो जाएगी भाई। टाइम जो है ना 1:20 हो चुके हैं भाई, और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, जुम्मे की नमाज के लिए रेडी हो चुका हूँ, यहाँ पर जो जुम्मा है ना वो तकरीबन 1:30 होता है, टाइम कम हो गया है, लेकिन पिछले काफ़ी जुम्मे तकरीबन हर जुम्मा ही जब से ये घर का काम स्टार्ट हुआ है मैं बाजी यासे के घर चला जाया करता था, तो वहीं जुम्मा की नमाज़ पढ़ता रहा, वहाँ भी 2 बजे जुम्मा हुआ करता था तो काफ़ी टाइम होता था, लेकिन यहाँ पर अभी टाइम होने में 10-10 मिनट रह गए, तो अभी नमाज़ के लिए चलते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं। हर जुम्मा बाजी यासे की तरफ जाता था, इस बार भाई नहीं गया क्योंकि पैसे इधर से ही टाउन से निकलवा लिए थे, और जाने का प्लान तो मेरा था, आज भी रेडी हुआ था लेकिन अम्मा कहती है गर्मी है तो ना जाओ, इसलिए फिर मैंने कैंसिल कर दिया, तो भाई यासी आज वेट कर रही होंगे कि वसीम चावल खाने नहीं आए, नहीं तो हर बार चावल खाने में जुम्मे को पहुंचा हुआ था, तो खैर अभी भाई जुम्मे की नमाज़ के लिए चलते हैं,
और मेरा और भाई मेरे मोबाइल का जो कवर है ना सारा ख़राब हो गया। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से उतरा हुआ तो मैंने खींचा, मैं कह चलो सारा ही उतार देता हूँ, बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इसकी सत्यानाश हो गई है। तो ये कवर भी नया अब लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मोबाइल मेरे हाथ में नहीं टिकने वाला। और मोबाइल भी मैंने इंशाल्लाह चेंज करना है, बस एक बार घर कंप्लीट हो जाए फिर मोबाइल भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी बैटरी हेल्थ काफ़ी कम होगी। इसको लिए हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, तो इसकी बैटरी हेल्थ बहुत कम होगी। मतलब अगर मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो बस वो वीडियो बनती है और बड़ी मुश्किल से एडिट होती है, नहीं तो पहले पर वीडियो भी बना लेता था, एडिट भी कर लिया करता था। तो लेकिन भाई अभी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, घर बन रहा है, घर बन जाए ये बाद की प्रायोरिटी है, पहला प्रायोरिटी हमारा घर बनाना है। तो इंशाल्लाह घर बन जाए बाद में फिर मोबाइल चेंज होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन भाई आप सबको जुम्मा मुबारक। तो अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के वापस आ गया हूँ घर, और जुम्मा यहाँ भी आज भाई 2 बजे था, लेकिन मैं 1:30 बजे का समझ के चला गया, तो आधा घंटा पहले चले गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई जल्दी गया तो जगह अंदर मस्जिद के कमरे के अंदर मिल गई, पंखे शंखे चल रहे थे, अच्छा टाइम गुजर गया, बाहर तो एक्सट्रीम हवस थी। और भाई जुम्मा का दिन है तो आप सबके बहुत से कमेंट्स भी आते हैं, अपनी परेशानियाँ तकलीफें कमेंट्स में बता रहे होते हैं, तो जुम्मे का दिन है तो आप सबके अल्लाह ताला भाई सारी परेशानियाँ बीमारियाँ तकलीफ़ें हर चीज़ से शिफा दे, हर चीज़ दूर फरमाए जो आपके लिए तकलीफ़ दे। तो जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है, आप सब जितने भी वीडियोज़ देख रहे हैं एक दूसरे लिए दुआ किया करें ताकि किसी की भी सुनी जाए तो किसी के वसीले से किसी दूसरे की परेशानी तकलीफ या बीमारी दूर हो जाए। तो वंस अगेन जुम्मा मुबारक। और इधर आ जी लियो, ये ना सारा गंदा हुआ हुआ है, इसको ना पानी में बैठने की बुरी आदत पड़ी हुई है, निकाल दो सीधा जाकर पानी में बैठ जाएगा। हाँ नहीं अभी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाला, मुझे भी खाना खाना है चिल करो। हाँ जुम्मा पढ़ा है तू, तूने जुम्मा नहीं पढ़ने जाना था अभी भाई लंच का देखते हैं लंच में क्या है। इधर बने हुए हैं जी भाई चने, आज घर में चने बने हुए हैं, मैं समझ रहा था कि चने की दाल है लेकिन नहीं भाई चने, और साथ में भाई रोटी है। वैसे पराठे बड़े मज़े के लगते हैं चने के साथ। चलो कोई नहीं लंच कर लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं भाई। शाम के 5 बज रहे हैं भाई, और अभी सोलर चल रहा था तो अम्मा ने कहा कि भाई एक शिफ्ट और लगा लो, अंदर अंदर से ना तराई का काम कर लो, ये ऊपर ऊपर वाले हिस्से को करना है जहाँ पे बीम डाला ना, इससे ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाले की काफ़ी तराई होगी है। हाँ। तो ये वाला काम भी साथ साथ मैंने कहा चलो कर लेते हैं, मौसम थोड़ा आजकल ठंडा चल रहा है तो लगे तो ये काम भी कर लेते हैं। जब मिस्त्री काम कर रहे होते हैं ना, एक तो पाइप वो ज्यादा उनके पास होता है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कोई चीज बना रहे हैं कभी कोई चीज, दूसरा फिर वो वैसे भी गीले होते हैं, वो कहते हैं ना लगाओ अभी पानी, तो इसलिए जो है ना फिर हम जब फ्री मौका मिलता है ना फिर ज्यादा से ज्यादा पानी लगाते हैं। वैसे जिम्मेदारी तो ये मिस्त्रियों की है कि एक बार लगाना चाहिए उनको। हाँ जी हाँ जी, सुबह में है कुमारी पानी वाले जिम्मे हैं। हाँ लेकिन भाई सारी जिम्मेदारी जो है ना हम पे ही है, ये वाली ये भी है, वो वैसे भी ना उनके जिम्मे लगा देने के वो तराई करें फिर वो अच्छे से तराई नहीं करते, इसलिए फिर हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि घर हमारा अपना है, हम अपनी चीज़ों के खुद ख्याल रखें तो ज़्यादा ही अच्छा है, तो इसलिए हम खुद कर लेते हैं। तराई वगैरह जो होनी थी वो हो चुकी है भाई, और अभी हम आए हैं जी बैक साइड पे, थोड़ा सा ना वो सर्वे कर रहे हैं, साइट इंजीनियर जो है ना ये कब से मज़दूर ढूंढ रहे हैं, अम्मा ना भाई कब से कह रहे हैं कि मज़दूर ढूंढो, और ना ये जो मिट्टी सारी पीछे हटी पड़ी है ना ये देख रहे हो, मतलब फाउंडेशन वहाँ तक है, नीचे मिट्टी है काफ़ी, तो इसके साथ साथ ना थोड़ी और मिट्टी लगानी है, और वो जो गली है भाई सर वाली साइड पे उसमें ना मिट्टी को लेवल करना है और थोड़ा सा उसकी ना कंपैक्शन करनी है ताकि जो है ना पानी दोनों साइडों से खुद ब खुद स्लोप बनी हो और निकल जाए, ऐसा ही है। वो ना मतलब ये सारी मिट्टी फैली पड़ी है, कोई इसका मुंह मत्था सीधा करना है, और वो भाई कचरा भी काफी बड़ा हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी करें ना तो कोई फायदा नहीं है, फिर खराब कर देंगे। जब लिंटर डलना है ना उन्होंने यहाँ पे पैड बनाना है, क्योंकि भाई सीमी बजरी भी यहाँ पे पड़ी है, रेत भी यहाँ पे पड़ी,
पड़ी है और सीमेंट जो आनी है ना वो भी इधर ही आनी है, यहाँ पे डलवानी। तो उन्होंने फिर पैड वगैरह बनाना है, फिर खोद देनी है जगह। अच्छा। तो वो एक बार लेंटर डल जाए उसके बाद फिर मेरे ख्याल में इसको ना सेट करवाएंगे एक ही बार में, क्योंकि भाई बाद में हमने दीवार वगैरह भी बनानी है। और ये चेक करो लियो ना, जितनी आज़ादी मिली है ना वो अब थोड़ा थोड़ा ना बढ़ता जा रहा है आगे, पहले यहाँ से आगे नहीं आता था, अब यहाँ तक पहुँच गया, अब इसने आवारा गर्दी शुरू कर देनी है। फिर इसको ढूंढते रहेंगे एक बार लेग्जी ना। एक तो है छोटा सा, इसको किसी ने पकड़ लेना। एक बार लेग्जी भाग गई थी, वो जाके कहीं पकड़ी थी हमने मासी के घर के पास से, तो ये भी अब ना आज़ाद होता जा रहा है, तो इसको ना थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह ये जो है ना सेटिंग करनी है अभी, यहाँ पे इंशाल्लाह कोई गार्डन वगैरह बनेगा। और एक और आपके लिए भाई सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो फिलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी खत्म, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टल द नेक्स्ट वीडियो पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट है। टल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।